नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे तुम ये तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस के बगल में ना एक आइसक्रीम पार्लर खुला हुआ है, हम वहीं जा रहे हैं। तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक हो और एक आइसक्रीम खाने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहे हो? खाने के लिए नहीं बाबा, खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। अपने होने वाले इस बेटे को मैं आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता कि ये बेटा ही है? मुझे पता है सना, ये बेटा ही है। इसे बड़े होकर मेरे साथ बहुत मस्ती करनी है, फुटबॉल खेलना है उसके साथ मुझे। तुम बेटा हो या बेटी ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ना बुद्धू है। इन्हें ये नहीं पता कि इस हालत में मुझे आइसक्रीम नहीं गोल गप्पे खाने का दिल कर रहा है ना? बुद्धू है ना तुम्हारे पापा? इसे किक किया फर्स्ट टाइम। क्या किक किया इसने? डॉक्टर साहब से बात की थी, वो बहुत खुश है। कह रहे थे यूएसए में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर एंड्रयू, वो ऐसे केस सॉल्व कर सकता है। ऐसे केस? कैसा केस माँ? मेरा मतलब वो था कि जो शब्द आपको बोलने में दिक्कत दे रही है उस सच्चाई के साथ मैं जी रहा हूँ माँ। मैं एक अपाहिज हूँ, मैं बोझ हूँ माँ, आप पर और खुद पर भी। ऐसा मत बोल बेटा। सच हमेशा कड़वा होता है माँ। पिछले 2 साल में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल बचा है क्या जहां आप लेकर नहीं गई मुझे? अपने इस अपाहिज बेटे में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है माँ। मैं जिंदा होते हुए भी लाश हूँ, लाश हूँ माँ। माँ मुझे हौसला नहीं, मुझे मौत चाहिए माँ, मुझे मौत चाहिए माँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी बोझ बन गई है माँ। माँ अगर आप उसे सच में प्यार करती है ना तो मुझे मार दीजिए प्लीज माँ, प्लीज प्लीज मुझे मार दीजिए माँ, मुझे मार। भैया आप मत रोइए, आप शांत हो जाइए भैया। माँ शांत हो जाइए। कहते मुझे मार डालो माँ, उसकी माँ 9 महीने कोक में रखे, इन हाथों की उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाया, इन हाथों से कैसे उसका गला दबा दूं? उसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मयूरी कि अनिल को मेरी जरा भी परवाह नहीं है क्या? ऐसा नहीं है माँ, आप तो भैया को जानती हैं ना, प्लीज आप रोना बंद करिए प्लीज। माँ आप शांत हो जाइए, अनिल भैया गुस्सा है और वो हमसे या आपसे गुस्सा नहीं है, वो अपनी जिंदगी से नाराज है। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त हर गम भर देता है और हर निशान मिटा देता है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? माँ अनिल भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर एंड्रयू बहुत बड़े डॉक्टर हैं,
उसने 2 महीने बाद की तारीख दी है और मैंने सारे इंतजाम कर दिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी माँ। बेटा तुम अनिल के लिए, हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे यहाँ रहना। माँ ये मेरा भी तो घर है ना, और मयूरी मेरी पत्नी है, अगर मेरे घर में किसी को कुछ हो जाता तो क्या मयूरी उन सब का ख्याल नहीं रखती? तो मैं इतनी मुश्किल घड़ी में आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना माँ। हेलो हेलो, हाँ राघव, राघव नेटवर्क इशू है, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे नहीं, वो सारे प्रोडक्ट्स मेहता कंपनी को जाने हैं। ओके चल बाय। ए क्या कर रही है? क्या खाना चुरा रही है? भूख लगी है। भूख लगी है? भूख तो मुझे भी लगी है, भूख मिटा दे, पैसा भी दूंगा और होटल में खाना भी खिलाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर? तुझे भूख लगी है ना? छोड़ो, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। ए, दो लोगों का खून किया है, तीसरे को मारने पर भी ना उतनी सजा मिलेगी, समझा ना? तुम मर्द लोगों को और तुम्हें कुछ और दिखता नहीं है क्या? इस कमीने ने प्यार का झांसा देकर मुझे बेच दिया। मैंने अपने प्रेमी को और को, उन दोनों को काट दिया। अब तू भी मरना चाहता है क्या? हाँ रुक रुक, गलती हो गई, माफ कर दे। खून करके भागी और खाना चुरा रही है। हाँ तो खून करके बदला लिया था, मन की आग बुझाई थी मैंने, और अब पेट की आग भी बुझानी है। मतलब पैसा चाहिए तुझे? हाँ। पूरे 50,000 दूंगा, पैसे लेकर अपने गांव भाग जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि तूने खून किया है, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? पागल हो गई तू? तू अपनी कंडीशन देख रही है ना? अपने भाई के लिए अपने बच्चे की जान लेना चाहती है? सॉरी भैया। माँ लगता है सुनील आ गए होंगे, वो हेल्प करेंगे, मैं देख कर आती हूँ। नमस्ते। हमें काम की तलाश है, कोई नौकरी मिलेगी क्या? हम घर का सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन तुम अभी मेरी एक हेल्प कर दो प्लीज। हाँ जरूर, आ जाओ। हाँ ये मेरे भैया हैं, प्लीज तुम इन्हें उठाने में हेल्प करो। Okay.
क्या हुआ मयूरी? वो भैया पानी का ग्लास उठा रहे थे, नीचे गिर गए। अब मैडम जी वो अब हमें काम मिलेगा या फिर हम जाएं? बिल्कुल मिलेगा। तुम्हारा काम है घर का साफ सफाई, खाना बनाना और भाई की देखभाल करना, ठीक है? मयूरी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर भैया आप, हाँ वो तो हमने देख ही लिया, आपको किसी की जरूरत है या नहीं है, पड़े हुए थे नीचे। ये लड़की, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर यहाँ काम करना है तो मुंह बंद करके काम करना होगा, ऐसी जुबान जोरी यहाँ नहीं चलेगी। क्या करना होगा? खून करना है, मेरे साले का, पूरे 50,000 दूंगा। लेकिन खून ऐसा लगना चाहिए कि जैसे नेचुरल डेथ या फिर कोई एक्सीडेंट। अपने साले को मारना चाहते हो, क्यों, पैसों के लिए? क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी अपाहिज है, चल फिर नहीं सकता। तुम्हें पता है उसके इलाज में कितना पैसा खर्च हो रहा है? उसकी माँ का बस चले ना तो पूरी प्रॉपर्टी बिजनेस सब नीलाम करके उसके इलाज में लगा दे। वैसे भी वो रोज मरने की दुआ मांगता है, मैं तो बस उसकी दुआ पूरी करने की कोशिश करता हूँ। उसके नाम पर बड़ा गेम खेल रहा है, ये सब तो उसी का है ना? क्या फर्क पड़ता है, मेरी बीबी उसकी बहन है, उसका भी कोई हक बनता है कि नहीं? उसकी माँ उसे अभी US लेके जाने चाहती है, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है, उसकी माँ अनिल के नाम पे सब बर्बाद कर देगी। एक बार वो मर जाएगा ना तो सब खत्म हो जाएगा। बोल, करेगी? माफ करना, वो हम जुबान के थोड़े तेज है, लेकिन हम काम बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। जी मैडम। तुम यहाँ क्यों आई? तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें माँ जी ने यहाँ पे काम पे रखा है, जब वो कहेंगी हम चले जाएंगे। दवाई खाइए। नहीं खाना मुझे। लीजिए दवाई। बोला माँ, नहीं खाना है मुझे। ज्यादा नाटक मत कीजिए, चुपचाप दवाई खाइए, चुपचाप खाओ। जब तक तुम्हारा जिद पूरा नहीं होता ना, तो मानती कहाँ हो? तो क्या, खाली पेट रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है मेरी धर्मपत्नी जी, मैं समझ गया, अब तो खुश हो गई ना? इसी बात पे और खाओ। सना प्लीज। दवाई खाइए ना। साले को यहाँ पे मारने के लिए बुलाया मुझे, या फिर गंदे काम करवाने? मैं आज रात ही इसका काम तमाम कर देती हूँ।
दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करने जा रही थी? जान से मारने। तूने इसी काम की सुपारी दी है ना? अरे वो सो रहा है, मार देते उसे, फिर तेरा काम भी खत्म, मेरा काम भी खत्म। तू पागल हो गई है क्या? अनिल की मौत नेचुरल लगनी चाहिए, समझी? सुनील, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? अरे वो अनिल भैया को वॉमिटिंग हो रही थी तो इसको बता रहा था कि कौन सी दवाई देनी है। मैंने बता दी है, ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है ना? क्या ठीक चल रहा है? हाँ, परेशान हो गई हूँ मैं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये सब कुछ। और मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? थोड़ा धीरे बोल। देख सुन, मेरे पास एक प्लान है, बस थोड़ा सा सब्र और कर ले। बहुत ही प्यास लगी है। खाना तैयार है? हाँ खाना तैयार है, मैं अभी लगाती हूँ। क्या है ये सब? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती? कैसे टूटा ये वास? ये आप क्या बोल रही हैं? अब गलत बात क्यों कर रही हैं? ये वास मैंने नहीं तोड़ा है। क्या कहा तुमने? मैंने यही कहा कि आप गलत बात कर रही हैं। ये वास मैंने नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये वास अपने आप टूट गया। आप झूठ बोल रही हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? माँ, आपने ही इस लड़की को सर पे चढ़ा के रखा है, बहुत बदतमीज हो गई है ये। आप इसको अभी घर से बाहर निकालिए। मयूरी, अनिल भैया की सेवा कौन करेगा? तुम चुप रहो, तुमने सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से। हाँ तो यहाँ पे रहना भी कौन चाहता है? जा रही हूँ मैं। आप मयूरी का गुस्सा तो जानती है ना, अगर ये यहाँ से चली गई तो अनिल भैया का ध्यान कौन रखेगा? रुको माला, बेटा माफ कर दे उसे, गलती से वास टूट गया होगा। लेकिन माँ जी, ये वास मैंने नहीं तोड़ा है। देखा माँ आपने, कितनी बदतमीज है ये। और माफी तो इसे तब मिलेगी जब ये सबके सामने मेरे पैरों में गिर के माफी मांगेगी। देख क्या रही हो, माफी मांगो। अरे मांगो माफी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं, पैरों में गिर के माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, चल कोई बात नहीं, तुम जाके रसोई संभालो, उठो चलो।
माँ जी अनिल को खाना दे दिया तुमने? माँ जी देने जा रही हूँ बस। ये लड़का बिना कभी हमारे साथ आके खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं होता। एक हादसे ने हमारा पूरा परिवार उजाड़ दिया। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे खाली पेट दवाई खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। बार बार आप उल्टियां करते हैं और फिर रात भर मुझे ही साफ करना पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी सेवादारी करो। खुश नसीब है आप कि आपकी देखभाल करने वाले, आपके बारे में सोचने वाले, आपके परिवार के लोग आपके पास हैं। हर किसी के नसीब में नहीं होता। चुपचाप से खा लीजिए। ये लीजिए। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट दाल खिचड़ी बनाई है। वाकई बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच सना। और खाओ। खाइए। आप दुखी मत होइए, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपके आंसू नहीं गएंगे। तुम्हें कैसे पता? तकलीफ की खासियत होती है, उसके साथ जीने की आदत हो जाती है। जैसे मुझे अपने दर्द के साथ जीने की आदत हो गई है। तुम्हें कौन सी तकलीफ है? अब कुछ नहीं, आप खाना खाइए। अभी भी नाराज हो क्या? छोड़ो मुझे। तुम जिसके आगे पीछे चक्कर लगा रहे हो ना, उसकी सही जगह मेरे पैरों में है। ये बात तो तुम्हें समझ में आई गई होगी। मयूरी तुम पागल हो गई हो क्या? जिसके पास इतनी सुंदर बीवी हो, वो किसी नौकरानी को मुंह लगाएगा? आई लव यू बेबी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? काम और तुम्हारा काम शुरू होता है अब। कुछ भी करके तू अनिल को इस चेयर पर लेकर बाहर आएगी, उसके बाद मैं देख लूंगा। ओके माला, आज बहुत दिनों के बाद बाहर आया हूं ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको हमेशा यहाँ पे आते रहना चाहिए। मैं आपके लिए अभी एक फूल लेके आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारा।
पीछे देखो गाड़ी है, पाला। तू ठीक तो हमाला, तुम्हें कुछ हो जाता तू तो क्या होता, मर जाती ना। वैसे भी हम लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। जी कहिए। ये आपका मेडिकल कुरियर। थैंक यू। माला, भैया की नई मेडिसिन टेबल पर रखी हुई है, आज से उन्हें यही देना। अनिल को ये दवाई नहीं, ये वाली दवाई देना, ओके? एक बात कहूँ, तुम्हारे जैसे अपने होने से अनाथ होना बहुत अच्छा है। ये ज्यादा जुबान चल रही है, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो बोला गया है ना वो कर। पकड़िए दवाइयाँ और यही दवाइयाँ देना, समझी? आपकी दवाई का समय हो गया। माला, आजकल तुम कौन सी दवाई खिला रही हो? मैं देख रहा हूं काफी दिनों से बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं, और अब तो रात को वॉमिटिंग भी नहीं होती। मेरी बहुत सेवा कर रही हो। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉमिस करना होगा कि अब से आप फैमिली के साथ ही खाना खाएंगे। ओके, प्रॉमिस।
क्या कर रहे हो तुम? मैंने इसमें दवाई मिलाई है, आज खाने में अनिल को यही दाल दे दी है, समझी? अनिल को खाना दिया क्या? जी माँ जी, देने ही जा रही हूँ। माँ, मैंने सोचा आज आप सबके साथ खाना खाऊं। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें अपने साथ खाना खाते हुए देखने के लिए। आना बेटा, आ। माला, इसके लिए खाना लेकर आना। माँ, जरा एक गिलास पानी दीजिए। हाँ बेटा, हाँ ले लिया। गलती हो गई। चल कोई नहीं, इसको साफ कर फटाफट। जी माँ जी। ले बेटा, तू ये खा। ये ले बेटा। मैं खिलाती, अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने बेटे को। तू रोमांस कर रही है, है? जाकर बता दूं तेरे गांव में, अनिल को बता दूं तेरी असलियत क्या है। तेरे घर वाले मर जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धंधे पर बिठाया था। तुझे उसे मारना था ना, तो ठीक है, उसे चाकू घोप और निकल जाए यहां से। खुश हूं। ये सब तुम्हारे प्यार का कमाल है माना। मैं
सुनाता हूँ। तुम उससे बहुत पसंद करते हो ना, बहुत प्यार करते हो। मुझे भी वो पसंद है, परफेक्ट है तुम्हारे लिए, बिल्कुल मेरी तरह। पर मैं उसको बता भी तो नहीं सकता ना सना कि मैं उससे प्यार करता हूं। अब आई जुना, डोंट वरी, प्यार अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। तुम उसी से शादी करोगे, जाओ उसको जाकर ये बात बता दो, अगर तुम उससे शादी करोगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। सच सच कह रही हो सना, थैंक यू, थैंक यू सो मच। माला तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, पर किस बात के लिए, तुम माफी क्यों मांग रही हो? हाला ये क्या है, क्या ये सब? मैं इस घर में तुम्हें जान से मारने के लिए आई थी। मैंने तुम्हारी सुपारी ली थी, तुम्हारा मर्डर ऐसा हो जैसे कि किसी को शक भी ना हो कि खून हुआ है। सुपारी? पर मुझे मुझे मारने की सुपारी तुम्हें किसने दिया? सुनील के। सुनील ने? वो ऐसा क्यों कर सकता है? उसको मैं अपना छोटे भाई जैसा मानता हूँ माला, तुम जानती हो ना कितना मानता हूँ मैं उसे। वो ऐसा क्यों कर सकता है? सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी के लिए। मेरी सारी प्रॉपर्टी के लिए? अरे तो मुझसे बोल देता ना, मैं सारा प्रॉपर्टी उसको दे देता। इसमें मुझे मारने की क्या जरूरत? ठीक है माला, जब तुम आई हो मारने के लिए तो मुझे मार डालो। खड़े क्यों हो, मारो ना, मार डालो मुझे। मैं तुम्हें नहीं मार सकती, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमें तो पता भी नहीं चला कि हम कब आपसे इतना प्यार करने लगे। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। वाह, बहुत प्यार करते हैं, क्या लव स्टोरी है। तेरे इस प्यार ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। सुनील, सुनील तो ऐसा क्यों करना चाहता है? तेरी दौलत के लिए अपाहिज इंसान। अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, पहले इसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा, और बता दूंगा कि माला ने अनिल को मारा और मैंने अनिल को बचाने के लिए माला को मार डाला। सुनील, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? तू मुझे रोकेगी? छोड़ दे उसे, हट। तुझे छोड़ूंगा। मेरा प्लान चौपट कर। तू तो खड़ा हो गया। मार डालूंगा मैं। तू मारेगा मुझे, तू मारेगा मुझे, मारना, मार, तू मारेगा मुझे।
यादव एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। अनिल जी, आपने माला को बचाने के लिए खून किया है, ये सेल्फ डिफेंस का केस बनता है, लेकिन मर्डर तो किया है आप। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट कर लो इनको। एक मिनट अनिल जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माला, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सच तो यह है माला कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। और आज मैं जो अपने पैर के बल पे खड़ा हूं, ये तुम्हारे प्यार के कारण ही। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा माला।